इन्हें सुन लो। डॉक्टर साहिबा, कुछ ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं? अल्लाह का शुक्र है आप इन्हें सही वक्त पर लेकर आ गए। लेकिन ये होश में नहीं आ रही। आपकी वालदा हार्ट पेशेंट है और आपने बताया इनकी एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी है। हमने इन्हें रिलैक्स रखने के लिए ऐसी मेडिसिन दी है कि ये गुनगुनती में रहेंगी। मुझे आप इनकी रिपोर्ट्स और एंजियोप्लास्टी की सीडी ला दीजिए। अभी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं कुछ देर तक ले आता हूँ। प्लीज आप मंगा लीजिए ताकि रिपोर्ट्स देख के हम आगे की मेडिसिन स्टार्ट कर सके। भाई कैसे हैं वो, क्या हुआ उन्हें? एक्सरे के लिए लेकर गए हैं। एक्सरे? तुमने मनाने गया होगा ना, तुम्हारे पीछे गया होगा, इसलिए मेरे बच्चे के साथ ये सब हुआ है। पता नहीं किस तकलीफ में होगा बेटा मेरा। नहीं अम्मी, अल्लाह का शुक्र है कि कोई अंदरूनी चोट नहीं आई, बस पैर में बहुत दर्द था। मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूं। अम्मी अल्लाह ना करे कि उन्हें कुछ हो। अरे ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा, कितनी देर में लेके आएंगे, कहाँ लेके गए? आधे घंटे का बोला था लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं। आसिम, आसिम आ गए। बेटा रुक जाए। बेटा तुम ठीक हो? अल्लाह ये क्या हो गया बेटा? भाई भी चोट आ गई, चोट लगी मेरे पांव पे, भी चोट लगी है मामा। बेगम साहिबा जब बेहोश हुई तो डॉक्टर उनको आके इंजेक्शन लगा कर चले गए थे, तो वो सोती रहीं। जब वो उठी तो सब भूल चुकी थी, उनको याद ही नहीं था कि निशा बीबी मर चुकी है। फिर जोहर की नमाज के लिए जब यहाँ आई तो ऐसे जैसे उनको सब कुछ याद आ गया हो। बहुत फूट फूट कर रोई, बहुत मुश्किल से संभाला मैंने उनको, मेरे हाथों में ही बेहोश हो गई। हाली जब दोबारा एम्बुलेंस लेकर आए ना तो मेरी तो जान ही निकल गई। अल्लाह पाक आमना को सेहत तंदुरुस्ती दे। और हाली बेचारा, उस पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी हो। एक तरफ जवान बहन की मौत और दूसरी तरफ माँ की ये हालत, अल्लाह पाक उसे हिम्मत दे। हामी बिल्कुल सही कह रहे हो खालदा बहन, अल्लाह पाक ऐसी जवान मौत किसी को ना नसीब करे और आमना बहन को अल्लाह सब्र अता करे। आमीन आमीन। आइए मैं आप लोगों को ले चलूं। से अगर पहले पता होता कि अम्मी की ये हालत हो जाएगी तो उन्हें मैं पहले ही बता देता सब कुछ। खुदा का शुक्र अदा करो कि आंटी की कंडीशन अब क्रिटिकल नहीं है। तुम खुद को संभालो क्योंकि तुम्हें उन्हें संभालना है। अच्छा चलो, उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया होगा, चल के थोड़ी देर उनके पास बैठते हैं। मुझे घर से उनकी कुछ चीजें लेके आनी है, रिपोर्ट्स वगैरह। हाँ वो ले आएंगे चल के, अभी तो उनके पास बैठते ना थोड़ी देर। आ जाओ। शुक्र है आप ठीक हैं अब, बस इन छोटी मोटी चोटों को आपको ऐसे ही हिम्मत से मुकाबला करना होगा। डॉक्टर साहिबा कैसी बातें करी, ये छोटी मोटी चोटें, मेरा बेटा इतनी तकलीफ में है। जितनी हिम्मत और हौसले वाले हैं ना ये, आप देखिएगा ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इनके पाँव पे फ्रैक्चर है और इनको कम्प्लीट बेड रेस्ट चाहिए। और हम इन्हें घर कब लेके जा सकते हैं? अगर हिम्मत है तो आप इन्हें लेके जा सकती हैं, लेकिन दो दिन बाद इनको फॉलोअप के लिए आना होगा। जी 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 बिल्कुल, हम घर ही ले जाते हैं बेटा, बेहतर होगा कि तुम हमारे साथ घर रहो, है ना? थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।
देखा, मेरे बेटे का हाल देखा, ये सब तुम्हारी वजह से। मामा हॉस्पिटल है, ये वक्त नहीं है इन बातों का। कब होगा वक्त? अरे मिनते करता रहा, हाथ जोड़ जोड़ के बोलता रहा, लेकिन इससे एक नहीं सुनी। अकड़ नहीं जाती इस लड़की की। नेहा का कोई कसूर नहीं है, मत चीखे प्लीज। क्या हो? आराम से। हाय बेटा हिलो मत, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। तो आप मत चीखे ना इस पे। काश इसे उतना एहसास होता तुम्हारे बारे में जितना तुम्हें इसका है। मामा हॉस्पिटल है, कैसी बातें कर रही हैं आप? भूल जाए, खत्म कर दें इस बात को, घर जाके कर लीजिएगा बातें। भाई अपना ख्याल रखें, मैं बिल्स लेकर के आती हूँ। घर जाके अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगी तुम्हें, ठीक है ना? तुमने इसका बहुत ख्याल रखना होगा। बस जो भी है ना, तुम मम्मी के पास रहना, कोई भी मसला हो तुम बस मुझे कॉल कर देना, मैं जहां भी हूँ मैं फौरन आ जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, आराम से जाओ, मैं हूँ यहाँ। वैसे सारा स्टाफ मौजूद है, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ये जो फैमिली कही है ना, तुम इनका पीछा करो प्लीज। है कौन ये लोग यार? ये मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, तुम बस ये पता करो कि ये जाते किधर हैं। प्लीज जाओ, प्लीज जाओ। मैं आपका आली। आली जी, निशा, हमारी निशा। अभी बस निशा हमारे पास कुछ ही देर के लिए आई थी, चली गई। निशा क्यों? मेरे पास, अम्मा पास, अम्मी प्लीज बस। तुम जानते थे ना, तुम्हें सब पता था। उसे कब्र में उतारने के लिए आए थे, मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे क्यों वो सब काम लगता रहा? मैं भी उसको आखिरी दफा देख लेती, मेरी बच्ची। वो एक परी थी, एक साथी थी जो उस दुनिया की नहीं थी, वो चली गई, आपसे बहुत दूर चली गई। अम्मी खुद को संभाले। साथ का है? का है साथ? मैं उसे देखना चाहती हूँ। अम्मी साथ यहाँ नहीं है, साथ यहाँ नहीं हमारे पास। क्यों? कहाँ गया वो? वो ठीक है? हाँ। निशा के बाद उसकी भी तबीयत खराब हो गई थी, आंटी उसे ले गई है शहर से दूर। निशा मावली, अब हम सारी जिंदगी उसकी जुदाई बर्दाश्त कर। रिलैक्स होने के लिए इनको इंजेक्शन लगा दिया है, चंद घंटों के बाद इनको होश आ जाएगा।
हाँ रिता बोलो। कैसे हो तुम? कैसा हो सकता हूँ? तुम्हें इस वक्त बहुत हौसला रखने की जरूरत है। आंटी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है आली। खैर आंटी कैसी हैं आप? हाँ अभी कुछ देर पहले होश आया था, मैं रो रो के निशा का नाम ले रही थी, इसके बारे में पूछ रही थी। खैर डॉक्टर आई है, उसने इंजेक्शन लगाया अभी कुछ देर के लिए, कह रही कि इन्हें आराम आएगा, सो रही हैं। चलो अच्छा है, तुम अपना और आंटी का बहुत ख्याल रखना आली। हाँ बस तुम भी अपना ख्याल रखना, अम्मी के लिए दुआ करो। खुदा हाफिज़। कुछ पता चला? कौन थे वो लोग? ये वही मैरिज ब्यूरो वाली, ब्यूटी पार्लर वाली। ओ अम्मी बस यहाँ से डिस्चार्ज हो जाए तो फिर मैं उनकी तरफ जाऊंगा। असल मुजरिम तो वो हैं जो भाग गए। नहीं, ईशा ने इनका नाम भी लिया था, कोई ना कोई बात तो होगी। काश निशा को पूरा मैसेज करने का टाइम मिल जाता तो। खैर इनसे भी बहुत कुछ मिलेगा, बस एक दफा आमना सामना हो जाए। तुम घर जाने वाले थे ना रिपोर्ट्स लेने? हाँ तो चाबी है। चाबी? तुम एक काम करना, 2-3 घंटे सो जाना, मैं यहाँ हूँ अम्मी के पास। स्कूल की नींद तो मैं तभी सोऊंगा जब मैं बदला लूंगा। यार इनका ख्याल रखना। नहीं नहीं शुक्र अल्लाह का कि ज्यादा चोटें नहीं आई, अभी तो घर ले आए हैं। मेरी तरफ से पूछ लेना आसिम को, मैं आऊंगी किसी वक्त उसे देखने। जी जरूर आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। ओके। किससे बात कर रही हो? अम्मी वो फरी आंटी की कॉल है। मेरी बात कराओ। फरी आंटी वो अम्मी आपसे बात करना चाह रही है। ये ले। हेलो जी फरी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी, आपने नेहा को अपने घर में रखा, उसका ख्याल रखा। कैसी बातें कर रही हैं आप, बेटी है वो मेरी और इस रिश्ते से आसिम बेटा हुआ मेरा, तो बहुत फिक्र हो रही थी मुझे उसकी। मेरे बच्चे का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह ताला ने उसकी जान बचाई है, बस दुआ कीजिए। मेरी दुआ है अल्लाह उसे लंबी जिंदगी और सेहत दे इंशाल्लाह। चले आप नेहा से बात कीजिए, मैं बाद में मिलूंगी आपसे। खुदा हाफिज। भाई आपको पता है एक बार नहीं दो बार ना मुझे इससे बड़ी बड़ी चोटें लग चुकी हैं। बस कर दो अंबर, बच्चा नहीं हूं मैं जो मेरे दर्द के एहसास को कम करने के लिए बहलाए जा रही हूं। भाई को तंग मत करो बेटा। हम तंग तो नहीं कर रहे, समझाते हैं कि भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बेटा कुछ खा लो, ऐसे कमजोरी हो जाएगी तुम्हें। आपने अभी सूप पिलाया तो है, भूख लगेगी तो नेहा को क्या दूं। अच्छा तुम आराम करो, हम चलते हैं। नेहा तुम ध्यान रख लेना, कुछ हो ना तो बुला लेना मुझे। हाँ जी अम्मा। आ जाओ चलो। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। मैं बहुत खुश हूँ भाभी कि आप यहाँ हैं हम सब के साथ।
बैठो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो तुम्हारे दिल से कभी निकलेगा नहीं। मैं जानता हूं मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता तो तुम वापस ना आती, और ठीक भी था, मुझे सजा मिलनी चाहिए थी और तुम्हारा ना आना मेरी सजा होती। लेकिन नेहा, मैंने ये दिन बहुत अजियत में गुजारे। अच्छा आसिम, बस भूल जाए इन सब बातों को, जो वक्त था गुजर गया, मैं भी भूल गई हूं। आप कोशिश करें बस सोने की। भूल जाऊंगा अगर तुम मुझे दिल से माफ कर दोगी तो। अच्छा आप अगर यही सुनना चाहते हैं तो मैंने आपको दिल से माफ किया। अब हम इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करेंगे, बस आप सो जाएं। आप सो जाएं। तक ही ऐसी रहने देना। मैं खामोश क्यों? मुझसे कोई बात करें, निशा की बात करें। अस्सलाम वालेकुम। आयशा कैसी तबीयत है बिनकी? लग तो बेहतर रही। माशाल्लाह तबीयत तो बिनकी काफी बेहतर है और बीपी भी बिल्कुल कंट्रोल में। आप चाहें तो इन्हें आज डिस्चार्ज कर सकते हैं। नहीं डॉक्टर, अभी नहीं, मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहता। आपने इनकी रिपोर्ट्स तो देखी हैं, हार्ट पेशेंट हैं, और घर पे खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो क्या करेंगे। बेहतर यही होगा कि कुछ दिन और इनको यहाँ रख लें। ठीक है, फिर हम इन्हें एक रात और ऑब्जर्वेशन में रख लेते हैं। बस आप कोशिश कीजिएगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें और इनसे बातें कम कीजिएगा। थैंक यू। दस दिन से आपने हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया, तभी क्या गुजर रही होगी हमारे? मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं ट्रॉमा में था, मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, कौन है। आफात ने जैसे हमारे घर का रास्ता याद किया, एक मुश्किल से गुजरते दूसरी मुश्किल सामने आ जाती। छोटी सी जिंदगी है, अगर इंसान किसी के काम आ सके तो जरूर आना चाहिए। साथ चलते चलते कौन कहाँ कब नजर और रास्ता बदले पता नहीं चलता। हम सब अनजान मंजिल के मुसाफिर हैं। भाई कितनी बुरी हालत है, और भाभी मटकते हुए जॉब पे जा रही है। क्लास लेना आप उनकी? क्या क्लास लूं मैं, तुमने देखा नहीं, जरा सा समझाने की कोशिश की तुम्हारा भाई भड़क गया, पूरा इल्जाम अपने सर पे ले लिया उसने। और सुम्बुल की हमदर्दियां देखी? बेटा मैं सब देख रही हूँ, लेकिन मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकती। आसिम की अभी इतनी हालत नहीं है कि मैं कुछ कहूँ, और तुम भी ना नेहा के साथ जरा सही रहो। भाई को भी और टेंशन मत देना बेटा, अभी ये वक्त नहीं है। मैं वह नहीं मना रही नेहा के साथ, बिला वजह मुझे आते जाते टोकती रहती, मेरे दिल से उतर गई है, और एक बार मेरे दिल से कोई उतर जाता ना मैं वापस इज्जत नहीं करती उसकी। ये बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती बेटा, मत बोला करो, देर हो गई है, जाके सो जाओ। अब मैं कमरे में नहीं सोऊंगी, सुम्बुल पूरी रात नॉवल पढ़ती रहती है और मैं जागती रहती हूँ लाइट की वजह से। रानी को सुबह बोल दीजिएगा मेरे लिए नया रूम सेट करे, मैं अपनी नींद बर्बाद नहीं कर सकती सुम्बुल के पीछे, और मैं ड्राइंग रूम में सो रही हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे कभी तंग नहीं किया है। खैर अपने बच्चों को रिलैक्स रखने के लिए ना एक रूटीन जारी रखनी पड़ेगी, संभालना पड़ेगा सब कुछ।
आली भाई आप भी बीबी जी के साथ नाश्ता कर लें। प्लीज प्लीज हमें हिम्मत करें, अगर आप हिम्मत हार गई तो मैं क्या करूंगा। बेगम साहिबा हौसला रखें, एक ना एक दिन तो सबने ही चले जाना है। आज निशा बीबी चले गई, कल मैं चली जाऊंगी। चुप करो, कितनी दफा का है फजूल बातें मत किया करो। वो देखो कैसे हमें छोड़कर चली गई, शिनाज ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। हाँ आली मुझे बताओ बेटा क्या हुआ था निशा को, ऐसे कैसे अचानक छोड़कर चली गई हमें। हार्ट फेल हुआ था उसका। हार्ट फेल? नहीं आली कैसे हो सकता है, उसकी उम्र ही क्या थी बेटा। ऐसा ही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो अल्लाह की रजा थी, जो उसकी उम्र लिखी हुई थी वो ही थी बस। सही कह रहे हो बेटा, यही एक बात है जिसे सोचकर हम हौसला करते कि हम बेबस हैं, बहुत बेबस। लेकिन आली जब आखिरी दफा तुम्हारी उससे बात हुई थी तो कुछ तो कहा होगा उसने, अपनी किसी तकलीफ का इजहार किया होगा, इस बीमारी का बताया होगा। मैं उसे क्या पता था कि उसके साथ ये होने वाला, उसको तो इसी खुशी में थी, तैयारी कर रही थी कि हमारे पास अमेरिका आएगी मेरी शादी पे। इंसान क्या सोचता और क्या हो जाता। वो शेरू, उसने तो कितने दिनों से निशा को नहीं देखा होगा, निशा निशा कहकर उसने अपना गला सुखा लिया। बेटा उसे ले आओ मेरे पास ले आओ। इसकी यही हालत थी, उसे मैंने आजाद कर दिया। अच्छा किया बेटा उसे आजाद कर दिया, कम से कम निशा को दुआएं तो देता होगा। हाँ रीता बोलो, मैं बात करता हूं। अमीर रीता आपसे बात करना चाहता हूं। रीता मेरी निशा मुझे छोड़कर चली गई, कितनी खुश थी कि भाई की शादी पे आएगी, और देखो मैं क्या करूं। आंटी आप प्लीज हौसला रखें, आप तो कभी किसी हालात से नहीं घबराई हैं, जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में। आंटी आप तो मुझसे और आली से भी ज्यादा स्ट्रांग हैं, प्लीज हौसला रखें। हाँ बेटा मैं बहुत हौसले में हूँ, और हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन बेटा मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरी बेटी इस वक्त जन्नत के बागों में होगी। पता नहीं अल्लाह पाक को उसकी कौन सी अदा पसंद आ गई कि उसे भरी जवानी में अपने पास बुला लिया। मैं तो बस अब ये सोचती हूँ कि कब अल्लाह मुझे बुलाएगा मेरी निशा से मिलवाए। आंटी प्लीज ऐसी बातें मत करें, हमें आपकी बहुत जरूरत है। हाँ रीता मैं तुमसे बाद में बात करूंगी।
निशा। आसिम कैसा है, कब सोए हैं? अभी बस थोड़ी देर पहले ही सोए हैं, मैंने मेडिसिन दे दी थी, अब तबीयत बेहतर है। मैं पार्लर जा रही हूँ। जी। उसे कोई तकलीफ या अज़ियत नहीं होनी चाहिए, उसका जो हाल है ना वो तुम्हारी वजह से है। सुमर को तो तुमने अपने शीशे में उतार दिया, लेकिन अंबर तुमसे बड़ी खफा है। गुस्से में या बचपने में अगर कुछ कहती है ना तुमसे, बर्दाश्त कर लेना। अब देखो मेरी बेटियां बहुत लाडली हैं, कब आती हैं कब जाती हैं ना मैं सब जानती हूं, तुम्हें बीच में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मत पड़ो बीच में हमारे मसलों में, ठीक है ना, समझ रहे हो? बस मेरी बेटे का ख्याल रखो। उसे तो नहीं पकड़ सकता मैं अभी, लेकिन अलमास बेगम के पास तो जाके पूछ सकता हूं ना कि कहां थी वो जब मैं अपनी बहन को उसके हवाले करके गया था, कि वो उसका ख्याल रखेगी, वो उसका हाल अहवाल पूछेगी, तो क्यों नहीं गई? क्या क्या कयामतें बीती मेरी बहन पर, वो नहीं बताया उसने मुझे। उसके पास नंबर था तुम्हारा? दिया था उसको मैंने अपना नंबर, लेकिन जब उसका नंबर मांगा तो उसने बात टाल दी थी। जो कुछ निशा हमें उस औरत के बारे में नहीं बता सकी, वो बहुत ही होशियारी से हमें मालूम करना होगा। जितना कुछ तुमने मुझे अलमास के बारे में बताया है, वो सुन के तो मुझे भी उससे नफरत हो गई है। आखिर कोई भी औरत ऐसा कैसे कर सकती है? रिश्ते करवाना इंतहाई जिम्मेदारी का काम होता है, किसी की भी झूठी तारीफें कर दी और बस बर्बाद कर दिया बच्ची की जिंदगी को। बस नासिर मैं क्या करूं, मैं अम्मी की वजह से खामोश हूं ना, आज भी मेरा खून वैसे ही खोल रहा है जैसे पहले दिन पे था। तुम्हें तो अंदाजा नहीं है कि मैंने किस तरह अपने आप को रुका हुआ सबर कर रहा हूं मैं। आली जी, अम्मी आली बेटा, मुझे कब्रिस्तान जाना है, निशा से मिलना है। मैं अभी नहीं, अभी कुछ देर और इंतजार कर लें, आप तबीयत बेहतर होगी तो मैं खुद आपको ले जाऊंगा। तुम मुझे टाल रहे हो ना? नहीं नहीं आंटी, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप अच्छी हो जाएं, मैं आपको लेके जाऊंगा। आंटी वैसे तो मैं पहले भी आपका बेटा था, लेकिन अब तो मैं दिन रात आपके और आली के साथ रहूंगा। जीता रहो बेटा, जीता रहो।
मेहमान सारे चले गए हैं। अच्छा सारा सेटिंग ठीक से करो, क्लाइंट्स आ रहे होंगे। जी मैम, लेकिन भाभी की तबीयत कैसी है अब? तुम्हें कैसे पता चला कि तबीयत खराब है? वो सुंबल की कॉल आई थी ना मुझे, तो वो मुझे बता रही थी। हाँ तो उसमें इतनी बड़ी बात क्या है, हम कभी ना कभी सभी बीमार होते हैं ना। वो मैम बिला वजह पार्लर कभी इतने दिन बंद नहीं रहा ना, तो मुझे फिक्र हो रही थी। बंद रहे या खुला रहे मेरा मसला है ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जाओ लड़कियों को तैयार करो सर। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। मैं महजी अभी हूँ। कोई अपॉइंटमेंट है आपकी? नहीं नहीं, मैं दरअसल अपने बेटे की शादी के सिलसिले में आई हूँ। आप ऑनर हैं यहाँ की? जी जी मैं अलमास हूँ। एक मिनट हाँ नीलम, जरा लड़कियों को सुपरवाइज करना, मैं इनसे बात करके आती हूँ। आप आए ना मेरे दफ्तर, चलिए ठीक है ना? जी 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 आइए आइए। जी जी नाम सुना हुआ है, माशाल्लाह से बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मेरे हस्बैंड हैं वो। मेरे दो बेटे हैं, बड़ा बेटा मैरिड है और अपने फादर के साथ बिजनेस में है। छोटा बेटा खुर्रम, जिसके लिए मैं आपके पास आई हूँ, वो अमेरिका में अपनी स्टडी कंप्लीट करके अब पाकिस्तान आ रहा है और हम चाहते हैं कि उसकी भी बहुत अच्छी फैमिली में शादी हो जाए। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। मेरे पास बहुत ही अच्छी फैमिलीज की बच्चियां हैं जो अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढ रहे हैं। आपका बेटा आ जाए ना, फिर उससे मिल लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं खुद उसे आपसे मिलवाने के लिए लेकर आऊंगी। अभी तो मैं आपको उसकी पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये देखिए, जब अमेरिका गया था तो बहुत शाय था, लेकिन अब तो बहुत मैच्योर हो गया। अकेले वहां रह के सारे काम जो करने पड़े। माशाल्लाह कितना हैंडसम बेटा है आपका, इसके लिए तो बहुत ही खूबसूरत दुल्हन ढूंढनी पड़ेगी मुझे। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ढूंढ के निकाल देंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कॉफी लेना, बड़ी अच्छी कॉफी बनती है हमारे यहाँ। चले निशा नहीं रही आली, निशा अब हम में नहीं रही। तुम्हारी नई नई शादी है, तुम रोजाना मुझे फोन नहीं कर सकोगी, टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन बस प्लीज अपनी खैरियत का एक मैसेज डाल देना, तसल्ली हो जाएगी। आप लोगों की बहुत याद आएगी। थैंक यू। एक बात पूछूं नेहा? जी। मैं अब भी अपने एतमाद की गिरा तुम्हारे दिल में मजबूत नहीं कर सका ना। मैंने कहा ना आसिम, मैं सब भूल गई हूँ, और बेहतर होगा आप ही बार बार एक बात को दोहरा कर खुद को अज़ियत ना दें। इसलिए कि तुम्हारे चेहरे पर पहले वाला सुकून और इत्मीनान नहीं। क्यों? क्योंकि इस घर में आपके अलावा और लोग भी हैं जो मुझे शक की नजर से देखते हैं। कौन शक कर रहा है तुम पे? अम्मी, पता आज मैं फरी आंटी से बात कर रही थी।
अम्मी ने शक के बिना फिर मुझसे फोन लिया और खुद बात करने लगी। देखो मिया, मैं तुम्हें अपना यकीन दिला सकता हूँ, लेकिन कोई और क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उसके बारे में सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अब परवाह मत करो। अम्मी क्या कह रही हैं, बहनों का क्या रहते अमल है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जिंदगी हमें साथ गुजारनी है ना, दूसरों की बातें सुनूंगी तो हमारी जिंदगी, हमारा रिश्ता खराब होगा, और ये मैं नहीं होने दूंगा। इतने दिनों में मुझे ये बात समझ आ गई है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। आसिम, मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकती। तो बस फिर तय हुआ कि हम दूसरों की बातों पे कान नहीं धरेंगे, हम सारी जिंदगी साथ रहेंगे आखिरी सांस तक। मैंने जो अपने बच्चों की सोचा था ना, वो सब पूरा हो रहा है। बस मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बच्चियां ना अच्छे अच्छे घरों में सेटल हो जाएं। अब इंसान अगर नेक नीयति से काम करे ना तो अल्लाह ताला सारी ख्वाहिशात पूरी कर देता है। खुर्रम बहुत अच्छा लड़का है, रईस है, अपना बिजनेस चलाता है, बाहर रहता है, शादी के बाद भी बाहर रहेगा, और बड़ा संभला हुआ लड़का है। और सबसे मजे की बात यह कि उसका बाप भी ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इसका मतलब है उसके ऊपर ना कोई फैमिली का बोझ नहीं है, बिल्कुल आजाद है। तुम्हें बड़ा खुश रखेगा बेटा। अच्छा, अगले हफ्ते ना वो पाकिस्तान आ रहा है। मैं चाह रही थी कि तुम दोनों मिलो एक दूसरे से, और मिलके ना फिर तुम खुद फैसला करो कि क्या करना है, और जो भी तुम फैसला करोगे वो ही होगा। तुम्हें बेटा कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं मामा, जैसे आपकी और भाई की मर्जी। जीती रहो। सुंबल तुम अंदर जाओ। मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। सुंबल, मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ बेटा। जी। साद और उसकी मां तो भाग गई, लेकिन अपनी बहन की मौत का बदला मैं आपसे लूंगा। ये तो वही है, लेकिन मामा से मिलने क्यों आया? समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्या बात कर रहे हो तुम? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है, मेरी बहन की मौत की जिम्मेदार आप भी हैं। निशा की मौत? क्या क्या कह रहे हो? तो हंसती खेलती बच्ची मौत? मनो मिट्टी तले मेरी बहन दब चुकी है। कैसी बातें कर रहे हो? आपदा ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, क्या कह रहे हो तुम? आपदा और उसका बेटा तो बच के निकल गए, लेकिन आज तुम मेरे सामने इसलिए खड़ी हो कि तुम्हें अभी तक मौका नहीं मिला भागने का। मेरी बहन उस पागल नफ्सियाती के जुर्म सहते सहते दुनिया से चली गई। हाय अल्लाह, निशा बेचारी, अल्लाह तौबा तौबा तौबा, ये क्या हो गया, मुझे तो कोई अंदाजा ही नहीं था। ना कर